संडे आ गया, वीकली न्यूज। फाइनली वीकली न्यूज थर्ड एपिसोड की बारी आ चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज आती है टेस्ला की। मतलब जैसे एप्पल ने एक 1900 रुपीस का क्लॉथ लॉन्च किया था, वैसे सेम टू सेम टेस्ला ने भी एक छोटा सा सीटी लॉन्च किया है। मतलब सीटी जो हम बजाते हैं वो भी 3750 रुपीस की। दूसरी न्यूज आती है जो कि इस हफ्ते बहुत ज्यादा ट्रेंड में रही है, वो है ट्विटर के नए सीईओ के बारे में। तो पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के नए सीईओ बने, वो एक इंडियन है और वो IIT मुंबई से ग्रेजुएटेड है। तो इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट है जैसे कि बड़े ब्रांड ट्विटर का सीईओ एक इंडियन रहता है। तो पराग जो कांग्रेचुलेशन, और एक रिक्वेस्ट है पराग से कि हमको बर्नोविच को वेरीफाई कर दे ट्विटर पे। बाकी नेक्स्ट न्यूज है नथिंग ईयर वन का नया कलर लॉन्च कर दिया है। नथिंग ईयर वन का नया कलर है ब्लैक, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लीक एंड मिनिमल लग रहा है। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई इट, लेट्स सी क्या होता है। एक और न्यूज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रिलेटेड है। टाटा 2026 तक 10 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च करेगा इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज है जियो की न्यूज। पहले जियो ऑलरेडी एक लैपटॉप पे काम कर रहा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी तक लॉन्च होगा, बट अब एक और न्यूज आ गई जो कि टैबलेट और स्मार्ट टीवी पे काम कर रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं जियो के नए प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए। हमने जियो फोन नेक्स्ट भी ट्राई किया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आई कार्ड आ गया होगा। एक और न्यूज जियो के रिलेटेड ये है कि जैसे एयरटेल ने लास्ट वीक अपने प्लान के प्राइसेस हाइक कर दिए थे, सेम टू सेम इस हफ्ते जियो ने भी कर दिए। जियो ने अपने प्लान के प्राइस 20% तक हाइक कर दिए। ये है आपके स्क्रीन पे नए प्लान के प्राइसेस। एक और न्यूज है ओप्पो डिवाइसेस के लिए, क्योंकि ओप्पो ने कलरस 12 का इंडियन रोल आउट प्लान लॉन्च कर दिया है। तो ये है आपके स्क्रीन पे कलरस 12 के एलिजिबल डिवाइसेस। एक और न्यूज है BGMI फैंस के लिए। गूगल प्ले स्टोर ने इस हफ्ते बेस्ट गेम्स ऑफ 2021 अवार्ड्स का लिस्ट निकाल दिया है, और इस अवार्ड का विनर था BGMI, मतलब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। लास्ट न्यूज है एंटरटेनमेंट रिलेटेड। आपको स्क्विड गेम्स तो पता होगा, स्क्विड गेम जो कि नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज बन गई थी, उसको एक नई सीरीज ने बीट कर दिया। हेलबाउंड जो कि कोरियन सीरीज है, उसने स्क्विड गेम्स को बीट कर दिया, वो भी विद इन 24 आवर्स। क्या आपने सीरीज देखी है? कमेंट सेक्शन में बताना। एक और न्यूज जो कि मार्वल फैंस के लिए, स्पाइडरमैन नो वे होम इंडिया में जल्दी लॉन्च होगा। मतलब डिसंबर 16 को ही आपको इंडिया में मूवी देखने मिल जाएगी। मतलब ग्लोबल से एक दिन पहले आपको इंडिया में स्पाइडरमैन नो वे होम देखने को मिलेगी। बाकी से क्विक और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए बर्नविच को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट संडे।